शुरुआत तो योगी आदित्यनाथ ने की थी, लेकिन मध्य प्रदेश उससे बहुत आगे है। वहां 10-12 हजार जगहों पे बुलडोजर चल चुका, पहले शिवराज के समय में और अब वो मोहन यादव के समय में। तो वहां पे बुलडोजर की रफ्तार नहीं रुक रही, तो जरा अब की वहां पर तैयारी जो है दिल्ली पुलिस बॉर्डर पे करे और इनको रोकने की नहीं, इनको ठोकने की तैयारी करे, इनको दौड़ा दौड़ा के मारे, तब ये दुरुस्त होंगे। तो 70 लाख लोगों में से 1,000 आदमी आ रहा किसान बन के, किसानों की समस्याओं को लेके। तो पहले पहले तो आप जरा इनकी असलियत पंजाब के अंदर समझ लीजिए। इस साजिश थी कि हम हरियाणा हड़प लेते हैं तो हम देश को तबाह कर लेंगे, ये हरियाणा हड़पने की साजिश थी। आज यदि हरियाणा ये देशद्रोही गैंग हड़प लिए होते तो सोचिए दिल्ली के लिए कितनी मुश्किलें हो जाती। नए नवेले चीफ मिनिस्टर ने योगी स्टाइल अपना लिया है। फर्जी किसान को दौड़ाया था कल योगी पुलिस ने परसों, आज वही हाल हरियाणा में दिखा। ऐसा लग रहा है कि योगी फार्मूला हरियाणा ने अपना लिया है। योगी का फार्मूला पूरे देश को अपनाना पड़ेगा और वो लगातार अपनाया जा रहा है। अब बुलडोजर के अगर आप चलने की घटनाएं देखिए तो शुरुआत तो योगी आदित्यनाथ ने की थी, लेकिन मध्य प्रदेश उससे बहुत आगे है। वहां 10-12 हजार जगहों पे बुलडोजर चल चुका, पहले शिवराज के समय में और अब वो मोहन यादव के समय में। तो वहां पे बुलडोजर की रफ्तार नहीं रुक रही, वही स्थिति राजस्थान में है और यूपी में तो खैर बिहार छोड़ ही दीजिए। तो वो आप जो है हरियाणा में कल जो दौड़ाए गए हैं किसान नाम के जो गुंडे हैं, खालिस्तानी गुंडे हैं, जरा मैं उनको गुंडे कहता क्यों, दर्शकों को आज ये समझा दूं कि आज आपने देखा होगा कि वो ट्वीट हैं बहुत से कि किस तरह से वो घुसने की कोशिश कर रहे थे, तो जमकर हरियाणा की पुलिस ने आंसू गैस छोड़े और वो सब भागते हुए आपको सड़क पर नजर आए, कहीं गायब थे। अब वो फिर धमकी दे रहे हैं कि हम मंगल सोमवार को आगे दिल्ली में प्रदर्शन करेंगे, इतवार को आगे प्रदर्शन करेंगे। तो दिल्ली के लिए एक तरह से वो संदेश दे रहे हैं कि हमारा इलाज या तो योगी आदित्यनाथ करते हैं या फिर हरियाणा की सरकार करती है और हम उसी इलाज से सुधरेंगे। तो जरा अब की वहां पर तैयारी जो है दिल्ली पुलिस बॉर्डर पे करे और इनको रोकने की नहीं, इनको ठोकने की तैयारी करे, इनको दौड़ा दौड़ा के मारे, तब ये दुरुस्त होंगे। और मैं इनको किसान क्यों नहीं मानता हूँ मनीष जी, उसका बड़ा ठोस कारण अभी बताऊंगा आपको दर्शकों से, दर्शक भी उसको जानकर प्रसन्न होंगे। ये किसान तो है ही नहीं, ये खालिस्तानी गुंडे हैं जिनके जिनके अड्डों पे लगातार बलात्कार भी होता है, हत्याएं भी होती हैं, आत्महत्याएं भी होती हैं। और इसका सारा सिजरा 2020 में जब ये बैठे थे वहां पे, तो वहां पे किस तरह से एक लड़की का बलात्कार हुआ, एक आदमी की हत्या करके पेड़ से टांग दी गई लाश, किस तरह से दो वहां आत्महत्याएं हुई। तो इस तरह के अपराधी प्रवृत्ति के लोग जो खालिस्तानी गुंडों द्वारा प्रायोजित हैं, ये वो लोग हैं। और मैं क्यों कह रहा हूँ कि किसान नहीं है, जरा इसको समझिए कि मनीष जी जो सेंसस है उसके अनुसार पंजाब जो है कृषि आधारित प्रदेश है, कृषि उसकी पूरी अर्थव्यवस्था ही तरह से कृषि पे टिकी हुई है, कि एक अनुमान के अनुसार पंजाब के अंदर 60 से 70 लाख किसान है वहां पे, 60 से 70 लाख। और आप चाहे दिल्ली वाला प्रदर्शन जोड़ लीजिए तो उसमें भी ज्यादा से ज्यादा 2-4 हजार, और अब की तो ये 1,500 भी पहुंच नहीं पा रहे हैं, ये मुश्किल से 1,500 इकट्ठा हुए जो शंभू वाटर वाला है, और ये उतना नंगनाच कर रहे हैं और दौड़ाए जा रहे हैं तो भाग रहे हैं ये। तो 70 लाख लोगों में से 1,000 आदमी आ रहा किसान बन के, किसानों की समस्याओं को लेके। तो पहले पहले तो आप जरा इनकी असलियत पंजाब के अंदर समझ लीजिए कि ये किसान से इनका है, अगर किसानों की कोई समस्या होती तो 10% आदमी तो निकल के, अरे 10% छोड़ दीजिए, 1% तो निकल गया था, तो 1% भी 70 लाख का 70 हजार होता है, 70 हजार। तो ये वहां पे आपको 1,500 से ज्यादा आदमी कभी नहीं दिखा होगा शंभू बॉर्डर में, जब से गुंडे बैठे हैं। तो ये गुंडे हैं, ये किसान तो है ही नहीं। और एक बात मेरी समझ में आज तक नहीं आई, पता नहीं दिल्ली क्यों नहीं समझ रही या इनको समझा क्यों नहीं रही इन गुंडों को, कि कश्मीर से केरल तक, मैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक की बात कर रहा हूँ, उत्तर से लेकर दक्षिण तक पूरे देश के अंदर 12-15 करोड़ किसान हैं, लेकिन सारा लेने के जो है पंजाब के जो 1,500 हैं यही ठेका लिए हैं पूरे देश के किसानों का। कहीं केरल से कोई आ जाता, कोई बंगाल से आ जाता, कोई मध्य प्रदेश से आ जाता, कोई महाराष्ट्र से आ जाता, महाराष्ट्र तो एक तरह से कृषि प्रधान वो भी देश है, तो वो प्रदेश है वो, तो ना तो मैंने आज तक कोई महाराष्ट्र का किसान देखा, ना कोई केरल का देखा, ना बंगाल का देखा, ना उड़ीसा का देखा, ना यूपी का देखा, ना एमपी का देखा, ये सारे पूरे हिंदुस्तान के किसानों को ठेका ये 1,000-1,500 गुंडे लिए हैं और ये पूरे देश को हिला रहे हैं, पूरे देश को धमका रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री को इन्होंने कत्ल की धमकी दी थी पिछली बार, अभी फिर ये तैयार हैं। तो इन गुंडों के ऊपर चलेगा जब लट, और इनको जो मनीष जी ने कहा कि इनको योगी वैक्सीन ही इनके लिए ठीक है,
इसके अलावा ये बिल्कुल कोरोना से ज्यादा घातक है, पूरे देश के लिए घातक है। ये हजार डेढ़ हजार लोग इनको कोरोना की वैक्सीन की तरह, इनको योगी की वैक्सीन, और वो आज हरियाणा ने दी है। और जो इन्होंने सोमवार को फिर धमकी दी कि हम दोबारा फिर घुसेंगे दिल्ली के अंदर, फिर वहां पे हमला करेंगे, तो इनकी औकात, इनको दिल्ली पुलिस सोमवार को अगर बता दे तो ये हमेशा के लिए फुर्सत हो जाएगी। तो ये दिल्ली को, अब ये दिल्ली सरकार के ऊपर है और दिल्ली की पुलिस के ऊपर है। पहला सवाल तो मेरा यही है कि अरे कहीं अपने अपने प्रदेशों में कोई धरना प्रदर्शन कर रहे होते, इनके समर्थन में कहीं इकट्ठा होते कि वो चेन्नई में तमिलनाडु के किसान इकट्ठा हो गए, बेंगलोर में कर्नाटक के किसान, कहीं कोई नहीं खड़ा। और यहाँ देख लीजिए किस तरह नंगनाच कर रहे हैं, ये दिखाइए मान लीजिए, दिखाइए, उसमें कोई समस्या नहीं। लठ जबरदस्त बरसाए गए हैं सबके ऊपर, और इस सब देखिए अश्रू गैस। सर इसीलिए लगता है कि इनका एजेंडा, जब हरियाणा ये हारे थे देशद्रोही गैंग, तो आप देखिए इनके खैराती ने में मातम छा गया था। वो जो पीच क्यूरेटर है गंधोर यादव, जो कभी नहाता धोता नहीं है, अब जब गर्मी में नहीं नहाता था तो ठंड में तो नहीं नहा रहा होगा, तो ये दुर्गंध यादव जो है, ये पूरा गैंग जिसने कहा था कि सुनामी आएगी, ये सुनामी की आस लगाए रहे थे। मुझे लग रहा है कि ये किसान पहलवान और ये पूरा जो एक नैरेटिव बनाया था, और ये सेना को लेकर के, इन सबको लेकर के, जवान किसान और पहलवान हम कहते हैं, ये बड़ी साजिश थी कि हम हरियाणा हड़प लेते हैं तो हम देश को तबाह कर लेंगे। ये हरियाणा हड़पने की साजिश थी। आज यदि हरियाणा ये देशद्रोही गैंग हड़प लिए होते तो सोचिए दिल्ली के लिए कितनी मुश्किलें हो जाती, कितनी मुश्किल हो जाती, दिल्ली के बॉर्डर पे आके नंगे कर रहे होते। और नायब सिंह सैनी को धन्यवाद कि उन्होंने इनको पंजाब के बॉर्डर पे रोक रखा है। और जरा ये भी गौर करिए कि पंजाब में कितना बेलाव बेखाव घूम रहे, वहां भी केजरीवाल की भूमिका समझिए कि केजरीवाल की सरकार होने की वजह से हजार डेढ़ हजार गुंडे आकर हरियाणा के बॉर्डर पर उपद्रव कर रहे हैं, तो ये केजरीवाल की उसमें भी पूरी भूमिका है। लेकिन अभी मनीष जी ने एक नाम ले लिया तो मुझको याद आ गई खबर मनीष जी, और वो खबर जरा आज से 10-12, 10-15 दिन पुरानी हो गई है, 10-12 दिन हुए होंगे। लेकिन वो जो ये इनके फर्जीवाड़े की वो धज्जियां उड़ा रही है, और एक और ठग की धज्जियां उड़ा रही है, वो मनीष जी मैं बताऊं आपको कि आपने पहलवान का जिक्र किया तो पहलवान से मुझको बजरंग पुनिया याद आ गया मनीष जी। वो बड़ा कूद रहा था पहले किसानों के लिए, फलाना ढिमाका। आपको ताजुब होगा कि उसको 4 साल के लिए इंटरनेशनल कमेटी ने, पहलवानों की जो फेडरेशन है, उसने 4 साल के लिए उसको बैन कर दिया। वो मैं उसको संस्था बोल रहा हूँ जो वो डोप टेस्ट करती है, उसका क्या नाम है, अच्छा देखिए कोई दर्शक लिख देगा, मैं इस समय मेरे दिमाग से उतर रहा है कि जो डोप टेस्ट करती है कि तुमने कोई नशे की दवा लेकर तो नहीं आए हो, या कोई ताकत बढ़ाने वाली दवा लेकर नहीं आए हो, तो इसने अपना नहीं फंसा नहीं, उसका फैसला आ गया, उसका फैसला आ गया और 4 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया वो। अब उसका करियर खत्म, डोपिंग में जो पकड़ा गया है, डोपिंग में जो पकड़ा गया है, उसने अपना टेस्ट देने से मना कर दिया था कि मैं टेस्ट नहीं कराऊंगा। तो उस पर इसका जाहिर सी बात है कि इसका मतलब असा नशा किए हुए था, कुछ दवा खाए हुए था, तो उसी वजह से उसको इंटरनेशनल रेसलिंग फेडरेशन ने उसको हमेशा के लिए प्रतिबंधित कर दिया। अब 4 साल में उसका कोई करियर नहीं। तो ये है इनके किसान की सच्चाई। अभी आपने देखा कि कल आप लोगों ने देखा था किस तरह से वो भाग रहा था राकेश टिकैत, तो उसने तो हाथ खड़े कर दिए, उसको बुरी तरह दौड़ाया, अगले दिन तो सरेंडर कर गया। मैं ये सब नहीं जानता, मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ, मैं कहीं दिल्ली विल्ली नहीं जाने वाला है, उसने खत्म कर दिया खेल। और ये दूसरे वाले जो है इन पे आज जिस तरह से बरसाया नायब सिंह सैनी ने, तो इनके भी होश ठिकाने आएंगे। ये दिल्ली क्योंकि नरम है इसलिए ये गर्म होने ढोंग कर रहे हैं। और वैसे ही बजरंग पुनिया पहलवान, तो ये केवल फ्रॉडियों का, ठगों का, जालसाजों का, धोखाधड़ी करने वालों का एक गैंग है, चाहे वो किसान हो, पहलवान हो, और ये मिलकर इस देश को ठगने लूटने के लिए बड़े बेचैन है, जो जिनके आगे नरेंद्र मोदी जो है वो रोड रोलर बन के खड़े हो गए, तो ये किसी तरह से उसको पार नहीं पा रहे। बाकी ये हथकंडा हर तरह का अजमा रहे हैं, और वो जो हम लोगों ने शुरू में कहा कि वो ISI की ट्रिक तक ये अजमाने में जुट गए हैं। तो इनका इलाज जो है बेहतरीन तरीके से हरियाणा की सरकार कर रही है, और यही अपेक्षा थी। मैं इसीलिए मैंने जोड़ा सर कि पूरा देशद्रोही एजेंडा, ये गंधौर यादव जो जो कह रहा था कि सुनामी आने वाली है,
इन निर्लज्जों पर अब मुझे अच्छा लगता है कि ये जो जितने खलियर खैराती हैं इस गंधौर के ऊपर ही खुद हमला कर रहे हैं आजकल। हाँ। ये क्रिकेट एक्सपर्ट अब मैंने देखा कोई कहीं क्रिकेट एक्सपर्ट अब बनना शुरू किया पीच क्यूरेटर के बदले। तो इन सब का जो खतरनाक एजेंडा था सोनिया की मनमोहनी सरकार में, ये सब एजेंडा सोचिए, मैं कई बार सोचता हूं तो मैं हिल जाता हूं कि हरियाणा एक छोटा सा प्रदेश है, हरियाणा की जनता ने इस देश पर एहसान किया तो एक फेक नैरेटिव गढ़ने का, ये जो भारत विरोधी जो एजेंडा था उसे नष्ट किया। और महाराष्ट्र की जनता ने तो कमाल कर दिया, भारत पर जो तबाही, आर्थिक तबाही की जो साजिश थी उस पर उसका लगाम महाराष्ट्र की जनता ने पकड़ लिया। महाराष्ट्र का आपने बढ़िया जिक्र किया मनी जी, इन किसान, इन नकली किसानों से, इन फर्जी किसानों से, इन ठग किसानों से, इन जालसाज किसानों से जो तथाकथित नकली हैं, अपने आप को किसान कह रहे हैं, इन किसानों को एक तरह से जोरदार थप्पड़ मारा है महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र के नाम पर हम लोगों के दिमाग में सबसे पहले छवि बन जाती है मुंबई की या पुणे, पुणे दो चार जो उनके बड़े शहर हैं। महाराष्ट्र भी कम से कम 60-70% ग्रामीण इलाका है, वहां पर बहुत जबरदस्त किसानों की संख्या वहां पर है। किसान एक तरह से वहां भी कृषि आधारित समाज है, अर्थव्यवस्था नहीं कह सकते, मुंबई की वजह से अर्थव्यवस्था में मुंबई लीड कर जाता है।